जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आइए सुनते हैं वैशाख माह अमावस्या व्रत कथा। इस दिन प्रदोष काल में यानी शाम को दीपदान करने से अकाल मृत्यु नहीं होती है। पौराणिक कथा के अनुसार इस पर्व पर पिंडदान, श्राद्ध या तर्पण करने से पितरों को तृप्ति मिलती है। दक्षिण भारत में वैशाख अमावस्या पर शनि जयंती भी मनाई जाती है, इसलिए इस दिन शनि देव की पूजा और आराधना करने का भी महत्व है। इसके साथ ही वैशाख माह की अमावस्या पर क्या करें और क्या ना करें, इन बातों का ध्यान भी रखना चाहिए। वैशाख अमावस्या के दिन व्रत करना चाहिए, इससे संयम, आत्मबल और आत्मविश्वास प्राप्त होता है। इस अमावस्या के दिन स्नान के जल में तिल डालकर स्नान करने से शनि के दोषों से मुक्ति मिलती है। इस दिन पितरों के निमित्त तर्पण करना चाहिए, इससे उन्हें मुक्ति मिलती है। पितृ दोष निवारण के लिए वैशाख अमावस्या के दिन पितरों के नाम से गरीबों को भोजन करवाएं। इस दिन स्नान करके सूर्य को जल में तिल डालकर अर्घ देने से ग्रह दोष दूर होते हैं। वैशाख अमावस्या पर पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाने से रोग मुक्ति होती है। अमावस्या पर एक करने से बचें। इस दिन मांसाहार और किसी भी तरह का नशा नहीं करना चाहिए। भोग और विलासिता से बचने की कोशिश करनी चाहिए। उड़द या इससे बनी कोई भी चीज़ न खाएं। मांगलिक कार्य, शुभ कामों के लिए खरीदारी और नए काम की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। वैशाख अमावस्या के महत्व से जुड़ी पौराणिक कथा के अनुसार धर्मवर नाम के एक ब्राह्मण थे। एक बार उन्होंने किसी महात्मा के मुख से सुना कि कलयुग में भगवान विष्णु के नाम स्मरण से ज़्यादा पुण्य किसी भी काम में नहीं है। इसके बाद धर्मवर ने सांसारिक जीवन छोड़ दिया और संन्यास लेकर भ्रमण करने लगे। एक दिन घूमते हुए वे पितृलोक पहुँचे। वहाँ उनके पितर बहुत कष्ट में थे। पितरों ने बताया कि ऐसी हालत तुम्हारे संन्यास के कारण हुई है, क्योंकि उनके लिए पिंडदान करने वाला कोई नहीं है। पितरों ने कहा, अगर तुम वापस जाकर गृहस्थ जीवन की शुरुआत करो, संतान उत्पन्न करो और साथ ही वैशाख अमावस्या के दिन विधि विधान से पिंडदान करो तो हमें राहत मिल सकती है। धर्मवर ने उन्हें वचन दिया कि वह उनकी इच्छा पूरी करेंगे। इसके बाद उन्होंने सन्यासी जीवन छोड़कर फिर से सांसारिक जीवन अपनाया और वैशाख अमावस्या पर विधि विधान से पिंडदान कर अपने पितरों को मुक्ति दिलाई। वैशाख अमावस्या पर ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, फिर नित्य कर्म से निवृत्त होकर पवित्र तीर्थ स्थलों पर स्नान करें। गंगा, यमुना आदि नदियों में स्नान की बहुत अधिक महत्व बताया जाता है। पवित्र सरोवरों में भी स्नान किया जा सकता है। स्नान के पश्चात सूर्य देव को अर्घ देकर बहते जल में तिल प्रवाहित करें। पीपल के वृक्ष को भी जल अर्पित करना चाहिए। इस दिन चूंकि कुछ क्षेत्रों में शनि जयंती भी मनाई जाती है, इसीलिए शनि देव की तेल, तिल और दीपक जलाकर पूजा करनी चाहिए। शनि चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं या फिर शनि मंत्रों का जाप कर सकते हैं। अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा भी अवश्य देनी चाहिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बिल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके।